नमस्कार। अभी सोशल मीडिया पे एक वीक पहले बॉयज लॉकर रूम नाम की एक कॉन्ट्रोवर्सी बहुत वायरल हुई, जहां एक और इस कॉन्ट्रोवर्सी से रिलेटेड बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है, वहीं दूसरी तरफ इस पूरी की पूरी कॉन्ट्रोवर्सी से सोसाइटी के बारे में बहुत सीरियस चीज़ें रिवील होती हैं। और इसीलिए इस पूरे वीडियो में आज मैं इस कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में ना सिर्फ आपको समझाऊंगा बल्कि ये भी बताऊंगा कि क्या इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी में प्रॉब्लम्स थी और इसने सोसाइटी के किस रूप को बाहर लाकर सामने रख दिया। सबसे पहले समझते हैं एक मुद्दा क्या था। सोशल मीडिया पे कुछ स्क्रीनशॉट वायरल हुए जिन्हें बताया गया कि ये बॉयज लॉकर रूम नाम के इंस्टाग्राम ग्रुप के स्क्रीनशॉट हैं जिसमें 24 लड़के एडेड हैं और इन सारे लोगों की प्रोफाइल्स वायरल करी गई, इनके स्क्रीनशॉट्स निकाले गए। इन पर आरोप लगा कि इन्होंने गैंग रेप करने की बात करी है दूसरी लड़कियों को। मैं इस बात को आरोप क्यों कह रहा हूँ ये आप वीडियो में आगे समझेंगे। और सबसे पहले ये स्क्रीनशॉट कुछ लोगों ने पोस्ट करे और उसके बाद सोशल मीडिया पे वायरल होने लगे और बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब इन लड़कों पर तो लीगल एक्शन होना चाहिए। अभी तक इस केस में क्या हुआ है, जैसे ही ये केस वायरल हुआ तब वैसे ही DCW की जो हेड है स्वाति मालीवाल, उन्होंने एक वीडियो बनाकर कहा कि इन सारे लड़कों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। इन पर केस दायर हो गया, एक इन्वेस्टिगेशन चलने लगी। जो इस ग्रुप का एडमिन था उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। बताते हैं वो 17-18 साल का एक लड़का जो नोएडा में रहता था और बाकी लड़कों से भी पूछताछ चल रही है। जहां एक तरफ ये सब कुछ वायरल हो रहा था वहीं दूसरी तरफ जिन लोगों ने स्टार्टिंग में इनके स्क्रीनशॉट वायरल करे थे उनमें से एक लड़की के चैट्स का भी स्क्रीनशॉट वायरल होने लगा जहां पर वो लड़की दूसरी लड़कियों के बारे में एलिजिडली भद्दी भद्दी बातें लिख रही थी। उसके साथ साथ एक गर्ल्स लॉकर रूम नाम की भी चीज़ वायरल होने लगी इंस्टाग्राम पे। इन स्क्रीनशॉट में दिखाया गया कि इंस्टाग्राम का एक दूसरा ग्रुप है जहाँ पर कुछ लड़कियाँ एडिट हैं और वो लड़कों को सेक्सुअलाइज करने जैसी बातें कर रही हैं, उनके बारे में ऐसे भद्दे भद्दे कमेंट्स कर रही हैं। यहाँ एक और बॉयज़ लॉकर रूम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। गर्ल्स लॉकर रूम के ऊपर क्या हुआ, कोई पुलिस कार्रवाई हुई या नहीं हुई, इस पर कोई बात सामने निकल कर नहीं आई और इस पर उतना आउटरेज भी नहीं क्रिएट किया गया। बात करते हैं दो ऐसे सेपरेट इंसिडेंट की जो इससे रिलेटेड नहीं थे मगर कई लोगों ने इससे रिलेट करे। पहला इंसिडेंट है गुड़गांव के एक टीनेजर के सुसाइड का। एक लड़का जो कि कहते हैं 17 साल का था और क्लास 12th में था, उसने अपने घर से कूद कर जान दे दी। बताया गया कि उसने इसलिए जान दी क्योंकि एक लड़की ने उस पर मी टू का एलिगेशन लगाया था। उस लड़की ने कहा कि जब वो लड़का 14 साल का था तब उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी और अब जब ये लॉकर रूम चैट्स वायरल हुई तभी उस लड़की ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उस लड़के के ऊपर ये सारे आरोप लगाए। लड़के के परिवार वाले इन सारे आरोपों से इनकार करते हैं और कहते हैं कि हमारे लड़के को जस्टिस मिलना चाहिए। अभी तक इस कहानी की असली सच्चाई क्या है यह हमें नहीं पता। अब चूंकि लड़के ने सुसाइड कमिट कर लिया है तो शायद इसकी असली सच्चाई जानना अब बहुत मुश्किल हो चला है। यहां पर मैं इस केस का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि उस लड़के का नाम भी बॉयज लॉकर रूम केस में आया था। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों केसेस अलग अलग हैं। तो एक केस सामने आया स्नैपचैट की एक कॉन्वर्सेशन। यहाँ पर दो लड़कों की प्रोफाइल दिखाई देती है और एक लड़का कहता है कि हम दूसरी लड़की का गैंग रेप करेंगे और दूसरा लड़का उसे मना करता है। ये कॉन्वर्सेशन बॉयज लॉकर रूम के स्क्रीनशॉट के साथ वायरल हुई थी और उस समय कहा गया था कि ये भी बॉयज लॉकर रूम की कॉन्वर्सेशन है और इसी कॉन्वर्सेशन के बेसिस पे कहा गया था कि बॉयज लॉकर रूम के अंदर गैंग रेप जैसी बातें होती हैं। मगर जब पुलिस ने पड़ताल करी तो ये पाया कि ये स्नैपचैट की कॉन्वर्सेशन है और इसका बॉयज लॉकर रूम से कोई लिंक नहीं है। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात पुलिस ने पाई कि इसमें जो एक लड़के का नाम प्रोफाइल, दरअसल एक लड़की ने क्रिएट करी थी और उसने ही गैंग रेप जैसी बातें करी थी। लड़की का ये कहना है कि वो लड़के को टेस्ट कर रही थी कि क्या वो लड़का गैंग रेप के लिए तैयार होगा और कैसा उस लड़के का कैरेक्टर है। दूसरे लड़के ने गैंग रेप के लिए मना कर दिया। पुलिस ये कहती है कि इस लड़की पर हम कोई केस नहीं चलाएंगे क्योंकि उसके इंटेंशन किसी को हार्म करने वाले नहीं थे। इस केस का भी जिक्र होना यहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि इसको लॉकर रूम से दो बार रिलेट करा गया। पहली बार जब लॉकर रूम चैट्स वायरल हुई तो ये कहा गया कि देखिए वहाँ पर गैंग रेप की बातें हो रही हैं, तब इसी स्क्रीनशॉट का सहारा लेकर लोगों ने लॉकर रूम पर सवाल उठाए। दूसरी बार इसे वायरल करा गया तब जब पता चला कि ये लड़की ने आईडी बनाई थी। इसे वायरल करके लोगों ने कहा कि लॉकर रूम में तो कोई भी बात नहीं हुई थी। असलियत यह है कि लॉकर रूम में जो 13 से 17 साल के लड़के एडिट थे उन्होंने लड़कियों की प्रोफाइल शेयर करी थी और उनके बारे में कुछ सेक्सुअलाइज करने वाली बातें भी लिखी थी। जब लॉकर रूम चैट को वायरल कर दिया गया तो जिसने वायरल करा उसके बारे में भी उन लड़कों ने कहा कि न्यूड शेयर करेंगे और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। तो वो सारी चैट्स रियल थी मगर गैंग रेप वाली जो ये चैट थी वो लॉकर रूम से अलग थी, इसीलिए मैंने इसके बारे में आपको बताया। यहाँ तक के वीडियो में आपको अब तक क्लियरली समझ में आ गया होगा कि लॉकर रूम चैट का पूरा इशू क्या है और कौन कौन से इशू इससे रिलेटेड नहीं है। अब बात करते हैं सोसाइटी की वो सीरियस प्रॉब्लम्स को जो इस इशूज ने हमारी सामने लाकर रख दी है। पहली प्रॉब्लम, बिलीविंग स्क्रीनशॉट्स। आज के समय जब टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है तो आप
स्क्रीनशॉट्स को कैसे बिलीव कर सकते हैं, वो तो कोई भी फर्जी बना सकता है। ऐसे में सोशल मीडिया पर चल रहे किसी भी स्क्रीनशॉट्स को बिलीव कर उस पर अपनी आउटरेज दिखाने से अच्छा है कि आप रुक जाएं, इन्वेस्टिगेशन का वेट करें। दूसरी प्रॉब्लम, कन्वीनियंट प्रोपेगेंडा। स्क्रीनशॉट्स पर जिन लोगों ने बिलीव किया भी, उन्होंने बस अपने मतलब के स्क्रीनशॉट्स यूज करे और उनको यूज करके अपना अपना नैरेटिव दिखाने की कोशिश करी। जिन्होंने गर्ल्स लॉकर रूम वाले स्क्रीनशॉट शेयर करे, वो बॉयज लॉकर रूम वाले को शेयर करते समय मना कर रहे थे। जिन्होंने स्टार्टिंग में स्नैपचैट वाले वो स्क्रीनशॉट शेयर करके कहा कि देखिए बॉयज लॉकर रूम में गैंग रेप की बातें हो रही हैं, वो जब उन स्क्रीनशॉट्स का सच सामने आया तो वो चुप हो गए। ये कन्वीनियंट प्रोपेगेंडा वाली चीज बहुत प्रॉब्लमेटिक है। आपको सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए, आपको सारी चीजें देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, फिर अपना ओपिनियन बनाना चाहिए। तीसरी प्रॉब्लम, टेक्नोलॉजी की कम समझ की वजह से लोगों ने इंस्टाग्राम पे जितने भी लड़के उस ग्रुप में एडिट थे सबके स्क्रीनशॉट वायरल करने शुरू कर दिए। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि 3 या 4 लड़के थे जो आपस में उस ग्रुप में भद्दी बातें कर रहे थे, मगर सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे उस कॉन्वर्सेशन में। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो आप अपने रिक्वेस्ट वाले टैब में जाइएगा, तमाम सारी ऐसी रिक्वेस्ट आपके पास पड़ी होंगी जो लोगों ने आपको मैसेज भेजने की कोशिश करी होगी। इसी तरह से आपको कोई भी किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकता है और आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो या डिक्लाइन भी नहीं करते हो, फिर भी आप उस ग्रुप के मेंबर बन जाते हो। मैं सारे ग्रुप मेंबर के जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर करे वो इस बात को भूल गए कि हो सकता है इनमें से ज्यादातर लोगों को पता ही ना हो कि वो उस ग्रुप में एडेड है या फिर वो पार्टिसिपेट ही ना कर रहे हो कॉन्वर्सेशन में। जिन लोगों के नाम इस ग्रुप में निकल के सामने आए वो सारे माइनर्स हैं। क्या आपको इतना नहीं सोचना चाहिए था कि पहले मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए रुक जाऊं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बाद तो यही रिवील हो रहा है कि जिन्होंने उन सारे लोगों के नाम शेयर करे थे वो इस समय क्रिमिनल हैं। आपको पता होना चाहिए कि माइनर्स के बारे में इस तरह की कोई भी चीज़ अगर आप सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, उनकी आइडेंटिटी रिवील करते हैं, और अगर वो क्रिमिनल नहीं है फिर आप अपने आप में एक क्राइम कर रहे हैं और इसके लिए आपको सज़ा भी हो सकती है। इक्वेलिटी ऑफ आउटरेज, जब बॉयज लॉकर रूम की बात निकल के आई तो बहुत आउटरेज क्रिएट हुआ, मगर गर्ल्स लॉकर रूम में वो आउटरेज पूरी तरह से गायब हो गया। बॉयज लॉकर रूम की इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, गर्ल्स लॉकर रूम की इन्वेस्टिगेशन का कहीं नामो निशान नहीं है। तो ऐसे में इक्वेलिटी ऑफ जेंडर तो होनी चाहिए और वो बिल्कुल सही बात है, मगर उसके साथ साथ इस तरह की कंडीशंस में इक्वेलिटी ऑफ आउटरेज है वो आज हमारी सोसाइटी में मिसिंग है और ये मुझे लगता है एक बड़ी प्रॉब्लम है। अगली प्रॉब्लम, मीडिया ट्रायल। हमें अभी तक कितनी बार ही पता चल चुका है कि ऐसे आप सोशल मीडिया पे लोगों का ट्रायल करके जजमेंट सुना देते हैं, मगर बाद में पता चलता है कि वो इंसान इनोसेंट था। लोगों के करियर तबाह हो जाते हैं इससे, मगर अभी भी हम इस बात से बाज नहीं आ रहे हैं और अपने आप सोशल मीडिया पे जज, ज्यूरी और सब कुछ बन जाते हैं और लोगों के करियर का फैसला कर देते हैं बिना ये सोचे कि असलियत इन्वेस्टिगेशन तक तो हमें रुक जाना चाहिए। अब आप जरा इस मुद्दे को थोड़ा दूसरे पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश कीजिए। सोचिए कि आप एक लड़की हैं जो कि 13-14 साल की हैं और आपके साथ सच में कुछ ऐसा वाकया घटता है जिसमें आपके साथ किसी ने जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करी, मगर आपके अंदर हिम्मत नहीं हो पाती है कि आप घर पे जाके उसे बताएं, क्योंकि आप उस समय इतने छोटे हैं कि आपके अंदर ये नहीं पता होता कि आप कौन सा लीगल रूट ले सकते हैं और ऐसे में वो बातें कहीं ना कहीं दबी रह जाती हैं। ऐसे में आप जब बड़े होते हैं, जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं, आपको अवेयरनेस आती है, तब आपको लगता है कि हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए और ऐसे में ही हमने बहुत सारी मीटू स्टोरीज देखी हैं। इस तरह की सारी जो भी सच्ची मीटू स्टोरीज हैं उसके जरिए अगर हमारे सामने प्रेडेटर्स रिवील होते हैं तो हमें खुश होना चाहिए, मगर हमें इसके साथ साथ एक और चीज़ करने की ज़रूरत है। हमें अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन देने की ज़रूरत है, हमें उन्हें बचपन से ही इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर करने की ज़रूरत है, ताकि अगर हमारे बच्चों के साथ कभी भी कुछ इस तरह से गलत काम हो तो वो हमें वो बातें बताने से डरे ना, उसके लिए तुरंत लीगल रूट लिए जा सके और उसी समय प्रेडेटर्स को पकड़ के जेल करवाई जा सके, उन्हें सज़ा दी जा सके। क्योंकि इस तरह की सोशल मीडिया ट्रायल से कई बार ऐसा होता है कि लोगों के ऊपर फेक एलिगेशंस भी लगते हैं और जो सच एलिगेशंस भी होते हैं उनका कोई लॉजिकल रूट नहीं निकलता, क्योंकि केसेस बहुत पुराने हैं तो आप उन पर कोई लीगल बैटल नहीं कर सकते। तो कई बार ऐसा होता है कि जिनके ऊपर फेक एलिगेशन लगे हैं वो लोग भी इस बात से परेशान हो जाते हैं कि अब हम अपनी सच्चाई कैसे प्रूव करें, और जिन पर सच के एलिगेशन भी लगते हैं वो भी ये कह के बस निकलते हैं कि अरे ये तो सारे फेक एलिगेशन है, हमें नहीं पता, ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ये हमें सिर्फ डिफेम करने की साजिश है। तो कोई भी लॉजिकल एंड पॉइंट इस डिस्कशन का नहीं निकलता और समाज में ऐसे प्रेडेटर्स और विक्टिम्स बनने से हम तभी बचा पाएंगे जब हम बचपन से ही अपने बच्चों को दोनों बातों के लिए अवेयर करेंगे। हम अपने बच्चों को बचपन से दूसरे जेंडर के बारे में अवेयर करेंगे, उनकी प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करना सिखाएंगे, उनको सेक्स एजुकेशन देंगे और उन्हें ये बताएंगे कि अगर कभी भी आपके साथ ऐसा कुछ गलत होता है तो आप तुरंत आवाज उठाइए, हमें आकर बताइए, इस पर लीगल रूट लीजिए, ताकि उस प्रेडेटर को उसी समय पकड़ के इस पूरी की पूरी बात को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाया जा सके।
दोस्तों ये थे मेरे कुछ ओवरऑल थॉट्स इस पूरे के पूरे केस के बारे में। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे पैट्रियन या इंस्टा मुझे पे सपोर्ट कर सकते हैं। आपसे मिलूंगा अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।